बोकारो स्टील सिटी से ग्रामीण क्षेत्रों में आए हैं। इस समय हम लोग सतनपुर हाई स्कूल में मौजूद हैं, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर खड़े हैं। ये वो जरूरतमंद लोग हैं जो हर रोज दिहाड़ी में काम किया करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के 10वें दिन इनको खाने पीने की दिक्कतें हो रही थी। तो जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और गोमिया के विधायक प्रतिनिधि भी हैं सरोज कुमारी, उनके नेतृत्व में और इस्कॉन मंदिर के नेतृत्व में ये यहाँ पर इन लोगों को सामान वितरण किया जा रहा है, दोनों लोग के सहयोग में। आप सरोज कुमारी को देख रहे हैं तस्वीरों में, जो अपने क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोगों के बीच राशन वितरण कर रही हैं। वहीं इस्कॉन मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी इस जगह पे मौजूद हैं, सर भी मौजूद हैं। पहले इन लोगों से हम लोग बात करते हैं। सर, क्या मकसद है? मकसद ये है, आज जो देश जो है महामारी से गुजर रहा है, उसमें बहुत से गरीब हैं, जो लॉकडाउन हुआ है उसमें जितने भी गरीब मजदूर हैं और लॉकडाउन के चलते उनको दिहाड़ी मजदूर हैं, वो लोग मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनको खाने पीने की दिक्कत हो रही है। इसलिए हम लोग का एक प्रयास है, छोटा सा प्रयास है कि हम लोग उनको कुछ सहायता करें और देश की सहायता करें। अच्छा, हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि सरोज कुमारी भी हैं, उनसे जानते हैं। मैम, इन क्षेत्रों में गोमिया के आप विधायक प्रतिनिधि हैं, लेकिन बोकारो में अभी सामान वितरण कर रहे हैं। गरीबी के कारण गरीब लोग जो रोज़ काम करने वाले हैं, उन लोग के पास खाने पीने का साधन नहीं है, इसीलिए हम लोग थोड़ा दान कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ समाज सेवी मदन सर भी हैं। मदन सर, गोमिया और बोकारो में लंबा दूरी है, लेकिन सेवा करने की दूरी नहीं होती, आज आपने बताया। हम लोग कर्म क्षेत्र ही है ना, गोमिया विधानसभा से बिलोंग करते हैं, कर्म क्षेत्र यहाँ है। और अभी चूंकि ये भी ज़्यादा दूरी ट्रेवल करना मुश्किल है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जहाँ हैं वहीं पर लोगों का सेवा करें, और सब लोगों से ही मेरा रिक्वेस्ट भी है कि जो जहाँ हैं वहीं सेवा करें। तो सुना आपने, ये विधायक प्रतिनिधि हैं गोमिया क्षेत्र के, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र ये है, बोकारो के रहने वाले हैं। साफ तौर पे कहना है कि जो इंसान जहाँ मौजूद है वहाँ पर ही अपने लोगों को मदद करे। हमारे साथ इस समय इस्कॉन मंदिर के पुजारी भी हैं, जो इस जगह पर आए हैं। बाबा, जहाँ बोकारो स्टील सिटी में बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन किसी ने भी आगे हाथ नहीं बढ़ाया है। पहली बार कोई सामाजिक ट्रस्ट या मंदिर का ट्रस्ट के लोग निकल कर बाहर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सत्य नहीं है, क्योंकि भारत में कई जगह पे जो है कई मंदिरों ने चंदा दिया है, कई लोग मदद कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय परेशानी में ये। तो इस्कॉन संस्था की ओर से हमारा सतत प्रयास रहता है कि हम भी जो है ये कुछ जिस प्रकार से भी संभव हो तो इस प्रकार से लोगों को ये हम मदद कर सकें। और ख़ास करके आज जो है ये इतने दिनों से लॉकआउट है, तो ये आवश्यकता है कि लोगों के घर में जो है ये दाना पानी रहे, ये हरे कृष्णा। अच्छा, राकेश राय साहब भी, अनिल सिंह साहब भी है। बाबा कह रहे हैं ये सत्य नहीं है, मैं बोकारो स्टील सिटी की बात कर रहा हूँ कि बोकारो स्टील में साईं मंदिर है, राम मंदिर है और कई ना जाने कितने ट्रस्ट हैं, लेकिन अभी तक बोकारो स्टील सिटी में कोई भी मंदिर का ट्रस्ट आगे बढ़कर नहीं आया है समाज के लिए। तो केवल दान लेना ही ये ट्रस्ट जानते हैं कि दान देना भी जानते हैं? हिमांशु जी, सतनपुर की इस पहाड़ी के नीचे शहर में ऐसा कोई जगह नहीं है जो डीप फोकस हिमांशु से बचा हुआ है। हम अगर जो झूठ बोले या सच बोले, अपनी गलती को छुपाना भी चाहेंगे तो डीप फोकस हिमांशु से नहीं छुप सकता है। हम लोग तो ये कार्य छुप के ही कर रहे थे, लेकिन आप कहाँ से पहुँच जाते हैं, किधर से क्या आपको ज्ञान है, नेट के माध्यम से आप, भगवान ने आपको क्या दे दिया है। यहाँ के लोग नहीं चाह रहे थे कि टीवी के सामने आए, लेकिन आपसे कौन बच सकता है शहर का? अगर जो मंदिर कोई दान कर रहा है, हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके नज़र से कोई बच नहीं पाएगा। सिंह साहब, मैं सत्य कह रहा हूँ, अभी तक 10 दिनों से आप हमारे साथ हैं, किसी मंदिर के बड़े ट्रस्ट के द्वारा ये ऐलान या देखा है हम लोगों ने? देखिए, जो इस्कॉन संस्था है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित है, और भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि विधि का विधान है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। तो ये करुणा भी एक विधि का विधान है, और ईश्वर को भगवान ने सबसे बड़ा ब्रेन दिया है कि किस रूप में किसका सेवा करें। तो इस्कॉन अपना भगवान श्री कृष्ण को जो हरे राम हरे कृष्णा कहते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उनकी मतलब चरितार्थ को सही धरती पर अगर उतार रहा है तो इस्कॉन संस्था और इस्कॉन के लोग उतार रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ।
सुना आपने, यह अनिल सिंह राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, राजनीतिक बयान जरूर देंगे। मैंने पूछा क्या, बताया क्या अनिल सिंह साहब, मैं बहुत बेबाकी तौर पर कहना चाहता हूं कि यह विपता की घड़ी है और बोकारो स्टील सिटी में जिस तरह राजनीतिक पार्टी के लोग बाहर निकल रहे हैं, उसी तरह सामाजिक क्षेत्र के लोगों को भी निकलना ही पड़ेगा, उनका भी दायित्व बनता है। जिस तरह इस्कॉन मंदिर बाहर निकला है, उसी तरह बोकारो स्टील सिटी के कई बड़े मंदिर है, उन्हें भी अपनी जिम्मेवारियों का ख्याल रखना होगा। केवल दान लेना जानने से दान नहीं होता, दान करने से भी दान होता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना यही है कि देखिए, हम लोग का तो सबसे फर्स्ट फोकस था कि इस एरिया को हम लोग रोजगार देंगे, लेकिन आज के टाइम में जो भी मजदूर है वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, भूखे अपने घर में रह रहे हैं। तभी हम लोग का यही दायित्व बनता है कि किसी भी मजदूर को भूखे पेट नहीं सोने दें। सुना आपने, ये आम नौजवान है जिसके दिल में यह दर्द है, और गोमिया के जो प्रतिनिधि हैं उनके नेतृत्व में ये लोग आए हैं। साफ तौर पे मदन सर ने कहा कि हिमांशु जी, दूरियां जरूर लंबी है, लेकिन जो लोग जहां मौजूद हैं वहां पे मदद कर सकते हैं, तो आप अपने घर के बगल में ही मदद कर सकते हैं। बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं, जो जिस गाँव में है, जिस जगह पे है, उस जगह के लोगों को मदद करिए। मेरा कोई मकसद नहीं कि किसी भी मंदिर मस्जिद के गुरुद्वारा या किसी ट्रस्ट को ठेस पहुंचाऊं, मेरा मकसद यही है कि आपको भी बाहर निकलना चाहिए। भगवान सबके दिल में है, और भगवान हमेशा कहते हैं कि मेरे दरवाजे पे आने से पहले उनकी मदद कर जरूर आना जो लाचार हैं। तो मैं सत कह रहा हूँ ना।